तो आज की हमारी क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं माइक्रो प्रोग्रामिंग, और माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में कि रिकॉर्डिंग माइक्रो का क्या रोल है। हम आपके साथ ये चीज डिस्कस करेंगे। तो जैसे रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में मैंने पहले बताया था कि वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग को यूज करता है और रिकॉर्ड करता है। तो जो हमारी नॉर्मल रिकॉर्डिंग होती है वो नॉर्मल रिकॉर्डिंग क्या करती है, नॉर्मल जब कोड करते हैं वो भी आपका वीवी यूज करते हैं और ये यूज करते हैं। तो है क्या बताता हूं आपको। जैसे देखिए डेवलपर टाइम में जाएंगे, विजुअल बेसिक पे जाते हैं और इंस्टॉल करते हैं मॉड्यूल, और यहां पे मैंने एक माइक्रो बनाता हूं खुद से। तो बेसिकली माइक्रो जो मुझे बनाना है किसके लिए बनाना है कि मुझे F1 के ऊपर नेम टाइप करनी है। तो मैंने माइक्रो बनाया कि रेंज F1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, राइट, इक्वल टू नेम। और फिर यहां पे गए और रन पे क्लिक किया, यहां पे नेम लिख के आ गया, राइट सर। सर ये नेम अपने आप कैसे आया, मतलब माइक्रो रन किया हमने ना, ये जो माइक्रो जो रन किया तो माइक्रो में हमने कोडिंग किए हुए हैं कि F1 के अंदर नेम टाइप कर दे, ठीक है। तो जब मैंने इसको जब मैंने इसको रन किया तो यहां नेम आ गया लिखा हुआ। तो हमने एक माइक्रो बनाया जो माइक्रो F1 के ऊपर नेम को टाइप करता है, राइट सर। अब इसी चीज को हम रिकॉर्ड माइक्रो से करते हैं। रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक किए, F1 पे कर्सर रखें और यहां पे हमने लिखा नेम, ठीक है, और स्टॉप कर दिया। तो रिकॉर्ड माइक्रो ने भी क्या किया, विजुअल बेसिक के अंदर एक नया मॉड्यूल बनाया, उसके अंदर उसने भी जो प्रोग्रामिंग की AR का प्रोग्रामिंग किया, सेम VBA प्रोग्रामिंग को यूज किया। अब यहां पे कुछ बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर आपने जो कोडिंग किया उसमें तो बस एक लाइन लिखा, बट जब रिकॉर्ड हुआ तो दो लाइन हो गया। तो ये जब रिकॉर्डिंग होती है तो कुछ एक्स्ट्रा कोड जनरेट होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब रिकॉर्ड माइक्रो वर्क करता है तो ऑफिशियली लैंग्वेज को लेकर चलता है, लेकिन जब हम कोड करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ना कि अगर आपको आपको अपने बॉस से छुट्टी मांगनी है तो आप क्या बोलेंगे कि बॉस मुझे छुट्टी चाहिए, नॉर्मली आपसे पूछना है तो उससे बॉस से। अब उसको पूरा पैटर्न तो ही बताएंगे कि हाँ सेवा में श्रीमान महोदय ब्रांच मैनेजर फलाना कंपनी, डियर सर सविनय निवेदन है कि प्लीज मुझे इन दिनों के अधिकार दिया जाए, हम आप इसके लिए हम आपके कृतार्थ रहेंगे। तो ऐसी चीजें थोड़ी करेंगे सर। लेकिन अगर आपको बॉस ने बोला ठीक है मुझे एक काम को रिटर्न में दे दो, तो रिटर्न में पेज लिख के थोड़े देंगे कि बॉस मुझे कल छुट्टी चाहिए। जब रिटर्न करने की बात आई तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करेंगे ना। सेम उसी तरह से हम जब रिकॉर्ड माइक्रो खुद से टाइप करते हैं तो अपने हिसाब से जो कोड जरूरत की होती है वही लिखते, कोई एक्स्ट्रा फालतू कोड नहीं लिखते हैं। लेकिन जब रिकॉर्ड होती है माइक्रो तो अपना पैटर्न को फॉलो करती है, लेकिन दोनों सेम लैंग्वेज है। तो ललित जी एंड हबीब जी समझ में आया आपको रिकॉर्ड माइक्रो का फंडा क्या है इसका, रिकॉर्ड माइक्रो का? ललित जी आपको आया सर? अब क्वेश्चन यहां पे अगला उठ के आता है कि जब रिकॉर्ड माइक्रो हमारे पास है कि खुद ब खुद माइक्रो बना देता है तो फिर हम प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहे हैं। रिकॉर्डिंग माइक्रो से आप पूरी तरह काम नहीं कर सकते, आप सुनने से ही कम काम कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड माइक्रो आपको डायनेमिक नहीं माइक्रो नहीं बनाएगा, आपकी कंडीशन अप्लाई नहीं करेगा, रिपीटेशंस नहीं करेगा, कनेक्टिविटी नहीं करेगा,
बिना इन सब चीजों के, बिना आप खुद की कोडिंग किए हुए रिकॉर्ड मैक्रो से, सिर्फ रिकॉर्ड मैक्रो से आप कुछ नहीं कर सकते। तब यहां पे अगला क्वेश्चन आता है, तो फिर रिकॉर्ड मैक्रो का यूज क्या है? देखिए रिकॉर्ड मैक्रो का दो तरह से यूज होता है। पहला यूज होता है एज ए डिक्शनरी, अगर लर्निंग पीरियड में है तो उसको एज ए डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए ना, मुझे पेस्ट स्पेशल करने का कोड नहीं पता कि कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में वैल्यू कैसे किया जाता है, तो मैं क्या करूंगा कि रिकॉर्ड मैक्रो पे जाऊंगा और कॉपी करूंगा, फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए वैल्यू एंड ओके कर दूंगा, रिकॉर्ड मैक्रो को स्टॉप करूंगा, मैक्रो लिस्ट पे जाऊंगा जहां पे मैक्रो लिस्ट है, मैक्रो को सिलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करूंगा तो सीधे कोड में चला जाऊंगा। अब ये रहा मैक्रो को पेस्ट स्पेशल को कॉपी करके पेस्ट स्पेशल करने का कोड। तो इसी तरह से आपको अगर किसी एक्सेल के फीचर का कोड अगर नहीं पता है या स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, भूल गए, तो आप रिकॉर्ड मैक्रो का मदद ले सकते हैं। ठीक है ललित जी? जी सर। अब इसके बाद अगला जो ऑप्शन हमारा आता है उस पे चलते हैं। अगला ऑप्शन आपका यहां आता है कि अगर मान लीजिए मैं सीख जाता हूं तो फिर क्या रिकॉर्डिंग मैक्रो का यूज रहेगा? देखिए अगर आप सीख जाते हैं फिर भी आप चाहो तो रिकॉर्ड मैक्रो का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कहां, तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। एक मिनट में इसको बंद करता हूं, इसके लिए मुझे एक डेटा ओपन करना पड़ेगा। तो मैं ध्यान से देखिएगा, मुझे एक मैक्रो बनाना है, मुझे एक मैक्रो बनाना है जो कि डेटा को कॉपी करके एक नई फाइल में पेस्ट करे। जैसे मेरे पास यहां ओवरऑल डेटा आया हुआ है, तो मुझे पूजा ने कॉल किया, बोला कि एक काम करो मेरा डेटा मुझे मेल कर दो। तो हम क्या करते हैं कि हम फिल्टर जाते हैं, फिल्टर में पूजा को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम इसके डेटा को कॉपी करके एक नई फाइल में पेस्ट करके सेव कर देन मेल करते हैं। तो मैं ऐसा मैक्रो बनाना चाहता हूं कि जब चले तो मुझसे पूछे नाम, मैं जिस पर्सन का नाम लिखूं उस पर्सन के नाम का डेटा कॉपी करके दूसरे फाइल में पेस्ट करके फाइल को सेव कर दे। समझ गए सर? ललित जी क्या करना है, समझना है आपको? यस सर, यस सर। देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सबसे मेन प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम को समझना। अगर प्रॉब्लम को समझ जाते हैं तो सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि कोई भी आविष्कार हुआ है वो आवश्यकता से हुआ है, इसलिए कहावत है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जी सर। तो सबसे पहले आपको अपनी आवश्यकता को क्रिएट करना है कि मेरी आवश्यकता क्या है, तो रिक्वायरमेंट समझना इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसके लिए हम रिकॉर्ड मैक्रो यूज करते हैं, डेवलपर में चले में जगह रिकॉर्ड मैक्रो, उसके बाद इसको हम सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर अप्लाई करते हैं। अब यहां पे देखिए एक चीज और ही है कि जब आप कोई ये सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब कि जब आप रिकॉर्ड मैक्रो कर रहे हो तो एक्स्ट्रा माउस मूविंग स्क्रॉल वगैरह मत कीजिएगा, वही काम कीजिएगा जितना में जरूरत है। अब मुझे डेटा सिलेक्ट करना है तो माउस से सिलेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर माउस से सिलेक्शन किया तो माउस की एरिया जो है सिलेक्ट हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा फिर। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल सेव डाउन एरो एंड राइट एरो। अब मैं डायरेक्ट इसको कॉपी नहीं करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉपी करने में पीछे के डेटा भी कॉपी होने के चांसेस होते हैं, तो इसके लिए कंट्रोल जी के अंदर स्पेशल के अंदर यहां आपको दिखता है विजुअल सेल्स ओनली, देन मैं कॉपी करूंगा।
अब मुझे इस सीट पे पेस्ट करना है। अब मेरे पास ऑलरेडी दो सीट है, बट मैं नया सीट इंसर्ट करूंगा देन पेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर दो सीट अगर आपके पास है तो दोनों सीट के जाने का कोड जनरेट हो जाएगा क्रिएट करने का। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि जब भी आप नया ये करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो हमेशा वो सीट टू होना चाहिए, सीट थ्री होना चाहिए। लेकिन जब मैं नया क्रिएट करेंगे तो नया क्रिएट करने का कोड जनरेट हो गया, तो हमेशा नया क्रिएट कर लेगा। फिर सीट का नाम मैं यहाँ पे पूजा कर देता हूं, और उसके बाद इस सीट को मैं यहां से मूव करता हूं एक नई फाइल। अब इस नई फाइल को हम सेव करते हैं एक लोकेशन, नाम दे देते हैं पूजा, और यहां एक्सेल दे देते कि एक्सेल एक्सेल वर्क, देन सेव, और फाइल को क्लोज करते हैं। शीट वन पे जाते हैं और फिल्टर हटाते हैं और स्टॉप करते हैं। तो अब ये मेरा माइक्रो जो बना है, माइक्रो थ्री जो बना है ना सर, ये माइक्रो थ्री बनने से नहीं होगा। एक क्या लग रहा है, ये वर्क रन थोड़ी होगा, एरर देगा। क्योंकि इसको कोड एडिट करेंगे तो पता चलेगा इस कोड में क्या क्या गड़बड़ है। सबसे पहले यहां पे देखिए, इसने अप्लाई किया, सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद फिल्टर अप्लाई किया, फिर वापस फिल्टर अप्लाई कर रहा है। और जहां हम जानते हैं कि जब डेटा में एक बार फिल्टर लगाया फिर वापस फिल्टर लगाया तो वो फिल्टर हट जाता है, इसलिए मुझे यहां इस ऑटो फिल्टर को हटाना होगा। अब जब मैं फिल्टर लगा रहा था तो डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत हमारी नहीं, तो यहां हम जो है सिर्फ A1 देते हैं, ऑटोमेटिक वो करंट रीजन लेके डेटा सेव कर देगा। उसके बाद सही है सीट ऐड किया, एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, यहां सीट 4 सिलेक्ट, ये जरूरत नहीं है क्योंकि जो सीट ऐड हुई है वही एक्टिवेट है, तो उसको सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, सीट 4 जो है वो गलत है, क्योंकि हर बार आपको सीट 4 नाम का थोड़े आएगा। तो हमने यहां पे सी एक्टिव शीट को लिया और शीट 4 के जगह पे पेस्ट कर दिया। नेम हो गया पूजा डॉट सिलेक्ट, ये भी हटा दीजिए। कट कोई मोड फॉल्स, स्केप करते उसके लिए होता है, पूजा को मूव करते हैं एक नई ड्राइव। तो अब मेरा जो माइक्रो है अब परफेक्टली वर्क करेगा, लेकिन हमेशा एक अमर है ना, हमेशा जो है वो अमर का ही डेटा फिल्टर करेगा और अमर का ही सीट बनाएगा, अमर का ही फाइल बनेगा। तो यहां पे एक कोड मुझे ऐड करना होगा। क्या कोड ऐड करना होगा? इनपुट बॉक्स का। तो मैं यहां पे नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर नेम। तो जब माइक्रो रन होगा ना तो एक पॉपअप देगा, और उस पॉपअप के अंदर कुछ भी हम डालेंगे वो एन पे स्टोर हो जाएगा। एन क्या है? एक वेरिएबल है। जैसे आप मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड एबीसीडी लेते हैं ना, सेम उसी तरह से यहां है। तो यहां पे मैं कर देता हूं एन, यहां भी कर देता हूं एन, बट यहां एन इससे से नहीं करेगा ना, एन नाम का फाइल बना देगा। मुझे इसको थोड़ा सा कॉन्केट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? और लास्ट में मैसेज दे दीजिए एमएसजी बॉक्स। हेलो, बोलिए सर। एंड ऐड किया है, हाँ, एन का अभी सेव करने के टाइम, हाँ, एन फाइल नाम, एन के ऊपर जो वैल्यू होगी उसके नाम से फाइल बनाएगा। ठीक है, एन के ऊपर वैल्यू क्या होगी जो हम डालेंगे। अब देखिए इस माइक्रो को रन कर रहे हैं, रन सिलेक्ट किया, रन पूछा नाम, जो इनपुट बॉक्स पर कोड दिया था ना सर, इससे ये आपका आ रहा है पॉपअप। मैं अब इसमें मैं मान लीजिए लीला का देता हूं, लीला। अब एन के ऊपर लीला स्टोर हो गया तो फिल्टर में भी लीला देगा, सीट के नेम में भी लीला दे देगा,
और फाइल नेम भी लीला ले देगा। एक मिनट, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ एक्टिव शीट होना चाहिए। जॉब इज डन। अब आप जाके देखेंगे ई राइन ने लीला नाम का फाइल एरर। तो हमने रिकॉर्डिंग मैथड का इस्तेमाल क्या किया, हमने रिकॉर्डिंग मैथड का इस्तेमाल किया कि हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किए, कुछ कोड हमने यहाँ जनरेट किए और कुछ कोड हम यहाँ पे डिलीट किए। ठीक है, तो शुरुआत में आपको प्रैक्टिस करने के लिए रिकॉर्डिंग मैक्रो बहुत ही अच्छा टूल्स होगा। ठीक है सर, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मैक्रो यूज करने से पहले प्रिपरेशन क्या कर। सर मुझे वो समझ नहीं आया, वो कोड वोड का जो एकदम से आपने कर दिया। सर मैं आपको कोड नहीं समझा रहा हूं, मैं समझा रहा था आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो का यूज। समझे, एडिटिंग भी तो सिखाई ना आपने, एडिटिंग भी तो समझ आपको मैंने बताया कुछ कोड, आपको कोड पढ़ना है। ठीक, सिंपल बताइए, कोड ऊपर से नीचे कोड पढ़ना शुरू कीजिए, बताइए कौन सा कोड समझ में नहीं आ रहा आपको। सर ये इनपुट बॉक्स वाला जो एन वाला आपने बताया अभी, एन जैसे आप मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बनाते थे आप जी, तो उसमें आप एक्स वाई जेड लेते थे। हाँ सर, क्यों लेते थे आप, तो लेट करते थे ना सर वो तो। जी हाँ, यहाँ भी सेम थी हुआ कि हमने सिलेक्ट किया कि n इक्वल टू इनपुट इनपुट बॉक्स की वैल्यू, इनपुट बॉक्स की जो वैल्यू है वो n हो गई है, और जहां जहां मुझे इनपुट बॉक्स की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हम n को ले लेंगे, n उसको पास आउट कर देंगे। ठीक है, n की जगह पे आप एक्स वाई जे डिबीसी अपना नाम अपना गर्लफ्रेंड का नाम सब दे सकते हैं। ओके जी सर, आगे बताइए। चलिए आगे, क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर ये सही से समझ नहीं आया कि जैसे मैं इसको एडिट कर पाऊं, मतलब जैसे आपने वो बताया ना कि आपको पहले कोड देखना है, कोड को, अब देखिए आपको कोड देखना है, कोड को समझना है। तो ए तो हमने अभी ऐड कर लिया, अब यहाँ पे आपका a1 dot सिलेक्ट आ रहा है, रेंज a1 dot सिलेक्ट। तो रेंज आप समझते हैं रेंज क्या होता है, रेंज एक सेल को रेंज करते हैं, a1 इसका एड्रेस हुआ, सिलेक्ट मतलब कि हम उस पर कर्सर रखते हैं क्या। अच्छा, एक्टिव शीट डॉट रेंज a1 dot ऑटो फिल्टर, ऑटो फिल्टर पता है ना, फिल। अब डेटा के अंदर जो फील्ड है हमारा, और तीसरे हमने पूछा जो तीसरे नंबर पे है ना, तो यहां पे तीसरा आ गया फील्ड, तीसरा क्राइटेरिया मतलब फिल्टर क्या लगा, एंड मतलब कि जो नाम था। तो ये कोड अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है सर, मैं आपको ये समझा रहा था रिकॉर्डिंग मार्केट को फायदे। अब रिकॉर्डिंग मार्केट से आपको क्या समझना है, चीज को जानिए, आपको समझना है कि किस चीज का क्या कोड होता है। जैसे शुरुआत करना है आपको, मान लीजिए कॉपी करने से, तो आपको पता करना है कि आपको क्या करना है कि पैरेलल कोड आपको जो है अपना एक मिनट अपनी एक्सेल और अपना ये कोड जो है आप पैरेलल खोल लीजिए, खोल लिए। अब इसमें क्या है कि आपको करना है रिकॉर्ड मैक्रो, जैसे मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करते ही यहां देखिए सी टू में मॉड्यूल टू में आ जाएगा आपको। मैं यहां पे कहीं भी क्लिक किया, एक मिनट, है आपका बुक टू है, हाँ यहाँ आया, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां देखिए ये दिख रहा है सर आपको। अब जैसे जैसे माउस इवेंट करेंगे आपका कोड जनरेट होता जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने A1 पे क्लिक किया, तो ये देखिए क्या लिखा, रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। क्लियर सर, मतलब कि कर्सर जहां रखोगे उसका कोड ए बनेगा,
बात समझ में आया आपको सर? हाँ जी। अब मैं कंट्रोल सी किया तो क्या हो गया, सिलेक्शन डॉट कॉपी। तो सिलेक्शन क्या है, ए वन है ना, तो ए वन की कॉपी हो गई। फिर मैंने सी पे क्लिक किया तो यहां देखिए सी वन डॉट सिलेक्ट आ गया। फिर मैंने पेस्ट किया तो ये देखिए एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। तो पेस्ट करने का कोड क्या हुआ, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। समझ रहे हैं सर आप? जी सर। अब मान लीजिए डी वन पे कर्सर रखा, मैं इस पे 800 टाइप किया, टाइप किया सर जी, तो एक कट कॉपी मोड जो फॉल्स आया है, मतलब कि जो हम कॉपी करते हैं और यहां इससे यहां कॉपी किया और स्कैप करते हैं ना, यहां कॉपी के स्कैप करते हैं जो घूम रहा है, कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स होता है, ठीक है। और जब कुछ डालेंगे तो इसका कोड ये होता है कि एक्टिव सेल फॉर्मूला आर वन सी वन इक्वल टू 800। ये फॉर्मूला आर वन सी वन क्या है सर? कभी ऐसा ही आता है कुछ ना, तो फॉर्मूला आर वन सी वन आता है। देखिए जब भी हम कुछ टाइप करते हैं ना, वो ये आपको फॉर्मूला सेल की वैल्यू कहलाती है, जो भी हम टाइप करते हैं सेल की ओरिजिनल वैल्यू कहलाती है, और वीवीए में सेल की ओरिजिनल वैल्यू जो होती है फॉर्मूला आर वन सी वन होता है। आर वन सी वन मतलब कि रो वन एंड कॉलम वन वाला पार्ट। तो जो वीवीए स्टोर करता है, तो वीवीए कैसे स्टोर किया, कि स्टोर किया 828 किसका है, रो नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 3। तो R1 मतलब रो, मतलब R मतलब रो और C मतलब कॉलम। तो R1 C1 रेफरेंस स्टाइल मतलब हुआ इसका, मतलब जो VBA ने स्टोर किया वो R1 C1 रेफरेंस स्टाइल में शो किया, सेव किया, समझे? तो इस तरह से कोड, अब आपको कोड को समझना है अवेयरनेस के लिए। अब इसमें आपको मैं जो समझाऊंगा कि रेंज क्या होता है, सिलेक्शन क्यों यूज करते हैं, एक्टिव शीट क्या होता है, शीट्स कब यूज करते हैं, इनके चीजें मैं आपको समझाऊंगा अगली क्लास। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करना है कि जब जैसे मैं पैरेलल कर रहा हूं ऐसे आपको एक एक स्टेप, यहां ध्यान रखिएगा हमेशा एक एक स्टेप कीजिएगा, एक साथ कई स्टेप कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगी समझने में कि किस स्टेप का क्या कोड जनरेट होगा। तो अभी आपको क्या करना है, एक एक स्टेप को करना है और कोड को समझना है। कोड सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में है और आपके वर्क से रिलेट करता है, तो आपको समझना आ जाएगा। ऐसा आप बोले कि मैं आर वन सी वन नहीं समझ पा रहा हूं फॉर्मूला आर वन सी वन, अगर आप एक्सेल ऑप्शन को पढ़े रहते हैं ना, तो नॉर्मल एक्सेल में यहां देखिए फॉर्मूला मेनू बार में यहां दिख रहा है आर वन सी वन रेफरेंस स्टाइल, दिख रहा है सर? अब इसको आप पढ़े जाते हैं तो सवाल नहीं पूछते आप, इसलिए मैंने बोला था कि वीवीए करने के लिए एक्सेल की जानकारी के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए, तो दिक्कत नहीं होती है। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है उसको देखें क्या होता है। ए देखिए, देखिए ए अभी आपका जो रो है नंबर में है, कॉलम कैरेक्टर में है ना सर? अच्छा जैसे आप इस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो जो एक एबीसीडी है एबी 1 2 3 हो जाए, समझे? देखो ओके सर। तो ये पहले हमारा क्या था, पहले हमारा सी ए था, यहां पे ए आपका ए वन था, अब हो गया आर वन सी वन, यहां पे आर वन सी टू, आर वन सी थ्री, समझे जी? अब मान लीजिए कि मुझे यहां पर 20 हमने लिख दिया और मुझे 20 को प्लस करना है, तो जनरली बी टू प्लस 20 में 10 प्लस करना है, तो जनरली क्या लिखते हैं आप, बी टू प्लस 10 लिखते हैं ना सर? ये देखिए क्या होगा, आर सी माइनस 1 प्लस 10 20, समझे? मतलब जहां फॉर्मूला लग रहा है वहां से एक कॉलम पीछे, सेम रो क्योंकि आर में कुछ नहीं है, इसलिए सेम रो एक कॉलम पीछे, माइनस में है इसलिए पीछे, अगर ये आगे होता तो माइनस नहीं होता प्लस होता। देखिए तो इक्वल किया, अगर मैंने यहां पे क्लिक कर यहां पे क्लिक किया तो देख रहे आर सी टू दिख रहा है, मतलब कि रो सेम
कॉलम टू आगे की तरफ, पीछे कहोगे तो माइनस टू मतलब कॉलम टू पीछे की तरफ, उसी तरह से मैं अगर नीचे किया तो आर टू मतलब सेम कॉलम में दो रो नीचे, माइनस में होता था तो उतने रो ऊपर। अगर मैं यहां पे देखिए तब देखिए यहां पे क्या हुआ कि दो रो नीचे और एक कॉलम पीछे, समझे सर? हालांकि ये फीचर हमारा एक्सेल गाइड से भी रिलेट नहीं होता है सर, ये इसी में 13 में कि 7 में भी है, सब में सब में सब में। और सर मुझे डाउट है, पूछिए। ए अभी हम लोग इसमें n is equal to एंटर नेम बोल देना, मैसेज बॉक्स इनपुट बॉक्स है, उधर हम लोग को पूरा है पॉपअप बॉक्स बना सकते हैं, जितना नाम है रिपोर्ट और आमर सब सब बना सकते, सब बना सकते। क्लिक करेगा, क्लिक करके ओके करेगा तो ऐसा ऑटो जनरेट होना का, जैसे वो यूजर कम से होता है। हां उस रुको, वो आई क्लासेस में थर्ड सेमेस्टर में पड़ेगा। ओह ओके, थर्ड माने सेक्शन में, सेमेस्टर नहीं होता, सेक्शन होता है सर। ठीक है, तो अभी क्या करना, आपको रिकॉर्ड मैको करना है, कोड को अंडरस्टैंड करना है, मतलब कि अवेयरनेस लानी है कोड को। ठीक है, ओके सर, इसको कीजिए। कल की क्लास में हम बात करेंगे डेवलपर बार और विजुअल बेसिक एडिटर, जो एडिटर खुला हुआ कोडिंग बारा, इसके बारे में समझाएंगे क्या होता है। ठीक है, ओके सर, चलिए तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट जी सर, गुड नाइट। हाँ।